हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन से। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन था हमारा ये, और हमें निकालना था वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें एक हिंट दिया था कि इसको हम किस मेथड से करें, एक्चुअली हम दो मेथड सीख चुके हैं। एक तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर एलएचजी और आरएचजी निकालने के लिए, मैंने बोला था दैट इज अ, उसमें कोई कमी नहीं उस मेथड में। बट जो मैंने बोला था डिफरेंशिएबिलिटी, जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था यूजिंग डिफरेंशिएशन वाला मेथड था, वो उसकी कहीं कहीं लिमिटेशन है। तो हमने बोला था हम कैसे डिसाइड करें कि किसमें कौन सा लगाए। तो मैंने क्या बोला था कि एक बार देख लो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट करने लायक है या नहीं, मतलब बल्कि तो नहीं है ज्यादा। तो यू कैन सी कि अगर मैं इसमें एल एच डी निकालूंगा यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। तो क्या करें, क्या बताया था मैंने तुम लोगों को हिंट के तौर पे कि एलएचडी के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो तुम इसको डिफरेंशिएशन वाले सॉरी नॉर्मल मेथड से करो, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल एफएक्स माइनस एफए अपॉन एक्स माइनस ए। और आरएचडी के लिए ये सिंपल पॉलीनोमियल है, तो इसको तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं चुटकियों में, तो इसके लिए तुम डिफरेंशिएशन वाला यूज करो। तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट आरएचडी, क्योंकि ये सिंपल है। तो मैंने बोला आरएचडी के लिए, आरएचडी के लिए क्या लिखूंगा मैं, पहले मैंने देखा हम क्या करते हैं कंटिन्यूटी चेक करते हैं पहले। तो मैंने बोला राइट कंटिन्यूस है या नहीं, राइट कंटिन्यूस है या नहीं, तो इसके लिए पहले x इक्वल टू 2 प्लस पे ये देखा कहां जा रहा है। तो f ऑफ, मैंने बोला f ऑफ 2 प्लस कहां जा रहा है, या f ऑफ 2, मैंने बोला लिमिट क्या है इसकी 2 प्लस पे। अभी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसमें बताया था इंपॉर्टेंट कि कंटिन्यूटी पहले चेक करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर देंगे, गलत आ सकता है आंसर। तो x इक्वल टू 2 प्लस पे ये कहां जाएगा, 2 टू द 4, 4 प्लस 6 12 16 माइनस 16 जीरो को जा रहा है, सो दिस इज जीरो। और ये किसके बराबर है हमारा, f ऑफ 2 के बराबर। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज राइट कंटिन्यूस, फंक्शन इज राइट कंटिन्यूस। क्लियर है यहां तक, क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैं डिफरेंशिएशन वाला यूज कर रहा हूं मेथड, नहीं तो तुम एफ एक्स माइनस एफ ए कर लो, उससे भी आएगा, ठीक है ना, उससे भी बिल्कुल ईजी हो जाएगा। बट ठीक है, हम दोनों मैथड रिवाइज हो जाएंगे हमारे, ऐसे बोल लो। तो मैंने बोला ठीक है कंटिन्यूस तो आ गया, अब क्या करूं, अगर कंटिन्यूस है तो अब मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूं इसको। तो एफ डैश एक्स मेरा कितना आया, दिस इज 2x माइनस 8, हम चेक कर लेते हैं 2x माइनस 8 फॉर x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो मेरा एफ डैश 2 प्लस कितना आया, इसमें 2 प्लस रखा तो 4 माइनस 8 माइनस 4, तो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है माइनस 4। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा नहीं कि ये 2 पे डिफरेंशिएबल है, अब मैं इधर से एलएचडी निकालूंगा, और एलएचडी के लिए मैं क्या बोला, वी विल यूज फर्स्ट प्रिंसिपल एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, और इसको अलग से वैल्यू लिख लेते हैं, हमारी कितनी आई, एफ डैश 2 प्लस इज माइनस 4। ठीक है, ये हमने लिख लिया आगे। अब आते हैं एलएचडी पे, मेन हमारा एलएचडी है इस क्वेश्चन में। अब एलएचडी के लिए क्या करें, मैंने बोला एल एच डी, चलो इधर लिखते हैं थोड़ा, मैंने बोला एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू 2 माइनस, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। क्लियर है यहां तक, अब 2 माइनस है तो क्या डेफिनेशन यूज होगा, ये वाला डेफिनेशन यूज होगा ऊपर बड़ा वाला। तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये पूरा 5 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 5 की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 5 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 5 की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एफ एक्स माइनस एफ 2, एफ 2 कितना है 0, तो माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 2 ये आ गया। ठीक है, अब मैं इधर ही मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, तो मैं इधर सेपरेट स्टेप लिखना, ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है एक x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसको हटाया मैंने और इसको लिखा x प्लस 2, इसको लिखा x प्लस 2। अब मैंने बोला x टेंड्स टू 2 माइनस पे, ये जो है ये 0 तो खत्म ही है, ठीक है ना, ये लाइन पे हटा देते हैं, जितना हो सकता है हम सिंप्लीफाई कर देते हैं यहीं। x 2 माइनस पे ये तो मल्टीप्लीकेशन में और ये एग्जिस्ट कर रहा है 4 को जा रहा है, तो इसको तो मैंने बाहर फेंक दिया, मतलब बाहर फेंक दिया से मेरा मतलब इसको कॉन्स्टेंट लिख दिया 4। ठीक है, इस पे लिमिट लगाते हैं, और ये पर्टिकुलर पार्ट तो बहुत इजी है, द रीजन इज इस टाइप का हम पहले किए हैं। बेसिकली उधर हमारा क्या था, x था बस, x माइनस 2 की जगह, x माइनस 2 की जगह x था, इस टाइप का क्वेश्चन हम किए हैं, याद है e की पावर में किए थे, e की पावर 1 बाय x माइनस e की पावर माइनस 1 बाय x अपॉन e की पावर 1 बाय x प्लस e की पावर माइनस 1 बाय x, याद आया,
जीरो प्लस और जीरो माइनस पे इसकी वैल्यू क्या आती थी, प्लस वन और माइनस वन आती थी, याद करो, ठीक है ना। कैसे एक्सप्लेन किया था कि जीरो प्लस होगा, जीरो प्लस पे मेरा वन बाय एक्स कहां जाएगा, अगर एक्स जीरो प्लस को है तो वन बाय एक्स कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी को, और जीरो माइनस पे, जीरो माइनस पे वन बाय एक्स कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी को। उसी तरीके से अब x की जगह इधर क्या, x माइनस टू है, पहले x माइनस टू हो चाहे कुछ हो, बट इधर मेरा बेसिकली है भी क्या, लिमिट, ये फोर टाइम्स लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू टू, तो टू पे तो ये x माइनस टू जीरो जा रहा है ना, क्या करो, या तो तुम x x ये टू माइनस है मैंने बोला, या तो तुम एक काम करो इसको जीरो पे लेके आओ, तो इसी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, e की जगह बस फाइव है, ठीक है। अदरवाइज यही हम देख लेते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे, अब मैंने बोला टू माइनस है तो हम हर एक न्यूमरेटर पे आते हैं, मैंने बोला न्यूमरेटर में x माइनस टू कहां जाएगा, अगर x टू माइनस को है तो x का x माइनस टू कहां जाएगा, जीरो माइनस को, और वन अपॉन जीरो माइनस इज माइनस इंफिनिटी, और फाइव की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। सिमिलरली इधर ये खत्म हो गया, या फिर एक काम करो ऐसे भी कर सकते हो, फाइव की फाइव ये पार्ट कॉमन ले लो तो इधर वन आ जाएगा, तो फिर और ज्यादा आसान हो जाएगा देखना, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हुआ इससे, इधर भी हमने वैसे ही किया था, x टेंड्स टू जीरो प्लस पे हमारा क्या हो रहा है, ये डोमिनेटिंग है इससे, तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी हो रहा है जीरो, तो वन प्लस पे इसकी लिमिट क्या आई थी, वन आई थी, वन सॉरी जीरो प्लस पे वन आई थी, और जीरो माइनस पे माइनस वन आई थी, सिमिलरली वही चीज हो गई, क्लियर है। तो फाइनली मेरे को क्या मिला, दिस अपॉन दिस इज माइनस वन, तो माइनस वन इंटू फोर इज वर्ड माइनस फोर, तो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x is equal to 2, ठीक है। ये एज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन तुम याद रखना इसको, एकदम इसको मतलब ऐसा मान लो कि फ्रिक्वेंटली आता है ये एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस इसी फैक्ट को यूज करना, जीरो प्लस पे वन बाई एक्स इज प्लस इन्फिनिटी, जीरो माइनस पे वन बाई एक्स इज माइनस इन्फिनिटी, क्लियर है। तो एक मॉडरेट का, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन था, मैंने ग्रुप में बता भी दिया था, ठीक है ना, एक इक्वालिटी मिस हो गई थी मॉड एक्स, और उस क्वेश्चन में मैंने दिया था फंक्शन इज डिफरेंशियबल, बट एक्चुअली द क्वेश्चन इज फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। तो एक बार मैं लिख लेता हूं एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड एक्स प्लस टू फॉर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, एंड इट इज ए साइन पाई मॉड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस, ये सेपरेटली लिखा बी कॉस पाई एक्स फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन थ्री, और दे रखा है फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फंक्शन इज डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, then find a comma b, then find a comma b, ठीक है। तो माइनस थ्री की बात चल रही है, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं माइनस थ्री के लेफ्ट में और राइट में कौन कौन सी डेफिनेशन यूज हो रही है। तो लेट्स से दिस इज माय नंबर लाइन, लेट्स से दिस इज माय नंबर लाइन, दिस इज माइनस थ्री, ठीक है। तो मॉड एक्स लेस देन थ्री मतलब क्या होता है, एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस थ्री टू थ्री, दिस मीन्स वॉट, एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस थ्री क्लोज से थ्री क्लोज, और मॉड एक्स ग्रेटर देन थ्री मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, दिस मीन्स वॉट, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री ओपन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं हम लोग ये मॉडुलस इनइक्वालिटी में। अब देखो, अब मैंने बोला चलो पहले हम एक काम करते हैं, ये वाला फंक्शन कहाँ आएगा, माइनस थ्री प्लस पे, तो पहले आर एच डी की बात करते हैं, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट आर एच डी, आर एच डी की बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला माइनस थ्री प्लस पे, इधर 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 कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, इस वाले रीजन में ये वाली डेफिनेशन होगी। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं माइनस थ्री के पास में, माइनस थ्री के ऑफ कोर्स राइट में बात कर रहा हूं, ये मॉड एक्स है, दैट विल बी ओपन विद अ नेगेटिव साइन बिकॉज एक्स इज नेगेटिव, सो इधर क्या हो जाएगा, वन अपॉन, ये वाले डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसके, इधर वन अपॉन टू माइनस एक्स, क्लियर है। और माइनस थ्री माइनस पे ये वाला डेफिनेशन यूज होगा, इधर मेरी डेफिनेशन क्या यूज हो जाएगी, इधर लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, मॉड एक्स विद नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस बी
कॉस पाई एक्स। तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि मॉड से छुटकारा पाए। वो कैसे छुटकारा पाएंगे, हम देखेंगे कि कहां पे हम चेक कर रहे हैं, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अकॉर्डिंगली वी विल ओपन द मॉड, ठीक है ना। तो इधर तो ये वाला मॉड हमारा, दोनों ही मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन हुए, ठीक है। चलो अब वैल्यू प्लग करते हैं इसके अंदर। तो मैंने बोला आर एच डी क्या होता है, चलो लिखते हैं इसको प्रॉपर, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री, और माइनस थ्री को कहां से अप्रोच कर रहे हैं, आर एच डी, इसका मतलब राइट हैंड साइड से, तो माइनस थ्री प्लस, ठीक है। अच्छा अब इसमें भी हम कैसे, या तो हम डिफरेंशिएशन वाले मेथड से कर सकते हैं या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल वाले से। तो डेफिनेटली इसका डिफरेंशिएशन आसान है, ठीक है ना, मतलब इसका बेसिकली 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, अच्छा दिस इज दिस ऑफ अपना क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो 1 बाय एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल से एक माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्या बोला मैंने, क्या बोलेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय 2 माइनस एक्स, दिस विल बी व्हाट, माई 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं एक्स इजिकल टू माइनस 3 इसमें रखूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, वो निकाल रहा हूं आर एच डी यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब मैंने बोला इसमें माइनस 3 रखा तो क्या आएगा मेरा, 2 माइनस ऑफ माइनस 3 5, 1 अपॉन 5 स्क्वायर इज 1 बाय 25, तो चलो मेरा आर एच डी आ गया, ठीक है आर एच डी आ गया। अब हम एल एच डी की बात करते हैं, तो मैं इसको अगेन रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। आर एच डी 1 बाय 25 आ चुका हमारा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो मेन पार्ट है, ठीक है ना, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एल एच डी। तो एल एच डी को एक काम करता हूं मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहा हूं, यू कैन ट्राई विद डिफरेंशिएशन ऑल्सो, ठीक है ना, यू कैन ट्राई विद डिफरेंशिएशन ऑल्सो, बट मैं डिफरेंशिएशन से इसलिए ट्राई नहीं कर रहा हूं, डिफरेंस रूल लगेगा, फिर इसका स्क्वायर आएगा, आएगा उससे भी आंसर, ठीक है ना, बट थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा एक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या लिख रहा हूं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस थ्री, माइनस माइनस थ्री को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री हो गया, ये निकालना। अब एफ ऑफ माइनस थ्री पहले ऊपर वाली डेफिनेशन से आएगा, तो ये चीज इधर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री रखूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन 3 प्लस 2 5, तो दिस इज 1 बाय 5, क्लियर है यहां तक, एक बार देख लेते हैं, 1 अपॉन 5 बिल्कुल परफेक्ट है, दिस इज 1 बाय 5, ठीक है। अब चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो लिमिट लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस 3 माइनस एफ एक्स, अब एफ एक्स कौन सा यूज होगा मेरा माइनस 3 माइनस पे, ये वाला डेफिनेशन, तो ये वाले डेफिनेशन के हिसाब से क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस बी कॉस पाई एक्स, दिस इज एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस 3 विच इज 1 बाय 5 अपॉन एक्स प्लस 3, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अब क्या किया, एलसीएम ले लिया ऊपर, तो अब मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा रब कर देता हूं, स्पेस क्रिएट करता हूं, तुम लोग कॉपी करते जाना, ठीक है। अब सुनो, अब क्या किया हमने, एलसीएम लिया, तो ये हो गया माइनस ए साइन पाई एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस एलसीएम ले रहे हैं हम बी कॉस पाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, अच्छा 5 को भी हम कर रहे हैं, एक मिनट 5 को भी ले लेते हैं, तो इधर मैं माइनस 5 ए लिख रहा हूं, ठीक है, एलसीएम पूरे का लेना, माइनस 5 ए और ये हो जाएगा 5, इधर भी आ जाएगा प्लस 5 बी कॉस पाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्लियर है, अपॉन देखो ध्यान से क्या आ रहा है, 5 टाइम्स इधर से एक्स एक्स माइनस 3 एक तो आया और एक आएगा एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, क्लियर, एक बार देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बल्कि है, ठीक है ना, इसलिए अवॉइड सिली मिस्टेक, आराम आराम से करना है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, माइनस 5 ए साइन पाई एक्स, ठीक है, प्लस 5 बी कॉस पाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन दिस, परफेक्ट है अभी तक तो, ठीक है। लिमिट
एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस थ्री का माइनस, ठीक है। अब क्या करें, देखो सबसे पहले तो देखते हैं कुछ पार्ट बाहर आ रहा है क्या। तो माइनस थ्री माइनस पे ये जो चीज है एक्स माइनस थ्री दिस इज अ कॉन्स्टेंट, और मल्टीप्लीकेशन में इसको बाहर ले लेते हैं सो दैट थोड़ा तो हल्का हो हमारा एक्सप्रेशन। तो माइनस थ्री माइनस पे ये कहा जाएगा माइनस सिक्स को, तो माइनस सिक्स को बाहर ले लेते हैं, और फाइव भी बाहर ये रखा हुआ है तो इसको भी बाहर ले लेते हैं। तो माइनस फाइव सॉरी माइनस सिक्स और फाइव माइनस थर्टी, तो इसको हटा के मैं माइनस थर्टी बाहर लिख रहा हूं, दिस इज वन अपॉन माइनस थर्टी, क्लियर है। अब क्या करें, अब हम एक्सपेंशन यूज करते हैं, नाउ वी विल यूज एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा माइनस थ्री एक काम करते हैं, ये तो एक्सपेंशन से भी पहले एक काम करो तुम लोग, या तो इफ यू वांट यू कैन ट्राई आफ्टर दिस, ठीक है ना। बाकी मैं बता देता हूं क्या करो, माइनस थ्री को पहले जीरो की तरफ लेके आओ, सब्स्टिट्यूशन करो, पहले मैं उस एक्सप्रेशन में ले आता हूं उसके बाद तुम लोग करना, ठीक है। मैंने बोला लिमिट, पहले मैंने सब्स्टिट्यूट किया एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस एच, तो लिमिट किसमें कन्वर्ट होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अच्छा जीरो माइनस है या जीरो प्लस है वो कैसे डिसाइड होगा, ये माइनस थ्री माइनस है, माइनस थ्री माइनस मतलब क्या होता है, माइनस थ्री को लेफ्ट साइड से मतलब माइनस थ्री पॉइंट जीरो 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 वन, तो अगर इधर मैंने माइनस थ्री पॉइंट जीरो 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 वन लिखूंगा तो एच क्या आएगा, जीरो माइनस, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, या तो इधर ही चेंज कर लो या इन तीनों का वैल्यू अलग से निकाल के रख लो, ठीक है ना। इन तीनों का वैल्यू आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ एच, इनका वैल्यू अलग से निकाल के रख लो और फिर इधर रख दो, नहीं तो इधर ही चेंज कर दो। बट क्या बार बार बल्कि एक्सप्रेशन कॉपी करना पड़ेगा, तो मेरा मतलब क्या है कि हम ये सब्स्टिट्यूशन तो कर रहे हैं, एक मिनट के लिए क्या किया मैंने इसको, एक मिनट पॉज किया, इस वाले सब्स्टिट्यूशन को यही कर रहे हैं, बट मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन लिख रहा हूं सबका, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं साइन पाई एक्स है तो मैं साइन पाई एक्स को कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ पाई एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई टाइम्स एक्स, और एक्स इज माइनस थ्री प्लस एच, तो ये मेरा हो गया साइन ऑफ माइनस थ्री पाई प्लस पाई एच। अच्छा इसको लिख लिया मैंने माइनस ऑफ साइन ऑफ थ्री पाई माइनस पाई एच, और साइन ऑफ थ्री पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव तो माइनस तो ऑलरेडी है तुम्हारा, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई एच, क्लियर है। तो ये तुम इससे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसकी जगह डायरेक्टली वी कैन से साइन पाई एच। अब बाकी पार्ट भी देख लेते, कॉस ऑफ पाई एक्स, तो मैंने बोला कॉस ऑफ पाई एक्स विल बी कॉस ऑफ पाई टाइम्स एक्स इज माइनस थ्री प्लस एच, तो कॉस ऑफ माइनस थ्री पाई प्लस पाई एच। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस ऑफ थ्री पाई माइनस थ्री एच, एंड दिस विल बी कॉस ऑफ थ्री पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, कॉट नेगेटिव तो माइनस ऑफ कॉस थ्री एच, नॉट थ्री एच इट इज पाई एच, माइनस कॉस ऑफ पाई एच। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो अभी निकाला उससे। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन क्या होगा, तो क्या किया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस थ्री प्लस एच का स्क्वायर माइनस नाइन, तो ये हो गया हमारा नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो हो जाएगा, इधर से क्या आ गया एच स्क्वायर और माइनस सिक्स एच, तो एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच को इसकी जगह लिखो, ठीक है। और एक्स प्लस थ्री मेरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री इज सिंपली एच, तो अब ये सारी वैल्यू मैं इसमें रख के फिर लिमिट निकालते हैं हम, ठीक है ना। तो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, जीरो की तरफ आ जाएंगे सारे वेरिएबल, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं इतने पार्ट को, ठीक है ना। अभी हमारा ना ए की वैल्यू आई अभी, ना हमारी बी की वैल्यू आई, ठीक है। अब आने वाली है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मैंने दोबारा बोला, ठीक है, मतलब एडवांस में यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन, मतलब एडवांस के लायक है, मेंस में तो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आने से ना, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, तो पहले तो मेरा माइनस वन बाय थर्टी बाहर लिखा है, अच्छा अब लिखा माइनस फाइव ए, माइनस फाइव ए इन टू साइन पाई एच, साइन पाई एच माइनस साइन पाई एच, तो माइनस साइन पाई एच लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा प्लस फाइव ए साइन पाई एच, ठीक है। अच्छा फिर फाइव बी, तो प्लस फाइव बी कॉस पाई एच इज माइनस कॉस पाई एच इज माइनस कॉस पाई एच, तो ये हो गया माइनस कॉस पाई एच इन टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, दैट इज नथिंग बट एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच, क्लियर है यहां तक। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, दैट इज अगेन एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच, ये हो गया डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, लिमिट
लिमिट एच स्टैंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस। अब ये तुम्हारे लिए सिंपल एक उसका क्वेश्चन हो गया लिमिट का, जो हमने लास्ट लास्ट में किया था फाइंडिंग कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। तो इसमें क्या क्या करते थे हम, डिनोमिनेटर का मुझे पता है कि ये फाइनाइट आने वाला है। फाइनाइट क्यों आने वाला है भाई, क्योंकि इसने दिया, हमने निकाला था ना आर एच डी 1/25 आया था, तो इसका मतलब ये कौन, एक ये आने वाला है हमारा क्या, एक फाइनाइट नंबर, फाइनाइट और वो भी नॉन जीरो, फाइनाइट नॉन जीरो आने वाला है। तो ऊपर का डिग्री क्या होना चाहिए, ऊपर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ऊपर जो भी कॉन्स्टेंट पार्ट आए उसको यू मेक इट जीरो, ठीक है। अच्छा, और प्लस वन डिग्री का जो टर्म आएगा उसको भी तुम्हें जीरो बनाना पड़ेगा। बट ध्यान से देखो कि इधर वन कॉन्स्टेंट पार्ट तो आने से रहा, बिकॉज इसके अंदर भी कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, एच का फंक्शन आएगा, बिकॉज ई होगा, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे हम तो क्या आएगा, पाई एच माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल टाइप आएगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो कॉन्स्टेंट पार्ट नहीं आएगा, ये भी कॉन्स्टेंट पार्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट पार्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, एच तो आएगा, एच तो 100% आएगा, इधर से भी आएगा और इधर तो है ही हमारा एच, तो एच का कोएफिशिएंट जीरो करो, उससे ए और बी में एक रिलेशन मिलेगा। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप, अब एच स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट्स है उसका रेशियो, उसका रेशियो शुड बी माय, शुड बी माय आर जो भी हमने कहा था एलएचडी, और वो किसके बराबर है 1/25 के बराबर, तो उससे ए और बी में एक रिलेशन आया। क्लियर है, समझ में आया? नहीं तो मैं इसको एक काम करता हूं, कर ही देता हूं, ठीक है ना, इसको कर ही देता हूं, तुम लोग कॉपी करते जाना जो भी हम लिखना है इधर। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं और आई होप कुछ सिली मिस्टेक नहीं हुई हो तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा, बाकी प्रोसीजर एकदम हमारा करेक्ट है। मैंने लिखा -1/30, अब हम लिख रहे हैं एक्सपेंशन, तो मुझे पता है कि ज्यादा एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे एच स्क्वायर तक ही चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो मैं पाई एच को कितना लिखूं, मैं सिंपली आई विल राइट व्हाट, क्योंकि इसमें एच स्क्वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, तो आई विल सिंपली राइट इट इज एक्स ओनली, साइन एक्स को एक्स से, वैसे तो क्या लिखते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल वगैरह, बट इधर सिंपली एक्स से काम चल जाएगा बिकॉज एच स्क्वायर तक की हमें चाहिए, तो इधर हो जाएगा सिंपली पाई एच। क्लियर हुआ? इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट माइनस पाई क्यूब एच क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, बट दैट इज ऑफ नो यूज। अब मैंने लिखा 5b इंटू एच स्क्वायर माइनस 6h इंटू, अच्छा अब मैंने बोला इसका कितना पार्ट लिखूं, कॉस पाई एच का, तो अगेन इसमें वैसे तो हम लिखते हैं कॉस एक्स का 1 - x² / 2 फैक्टोरियल, बट हियर आई विल राइट सिंपली 1 ओनली। द रीजन इज जो एच स्क्वायर है ना वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होके एच क्यूब और हायर पावर जनरेट करेगा, तो लिखना है तो यू कैन राइट इट, बट दैट इज विल बी अगेन ऑफ नो यूज। तो मैं सिंपली इधर लिखूंगा 1, वैसे क्या लिखता 1 - x² पाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल लिखता, बट इट इज ऑफ नो यूज एक्चुअली, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एच की क्यूबिक टर्म बनने वाली है, बट क्यूबिक चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि देखो वैसे जरूरत पड़ सकती थी अगर मुझे इतना पता होता ये फाइनाइट है, प्लस मुझे ये भी पता है ना नॉन जीरो है, तो इसलिए मैं एच क्यूब भी नहीं लेना चाह रहा, ठीक है ना, आई वॉन्ट एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो। तो इसको मैं लिखना हटा देता हूं, तो आई विल नॉट राइट दिस वन, फिर माइनस एच स्क्वायर माइनस 6h होल डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब मैं इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लेता हूं प्रॉपर, तो -1/30 इंटू एच का कोएफिशिएंट देखो क्या क्या आ रहा है, एक तो 5π इधर से, 5π, अच्छा एक इधर से आ रहा है एच का कोएफिशिएंट इधर से आ रहा है, जस्ट अ सेकंड, हाँ इधर से आ रहा है, तो कितना आ गया ये -6h इंटू -5b प्लस 30, 6 × 5 = 30, b h ले लिया हमने कॉमन, देख लो एक बार 6 × 5 = 30 माइनस माइनस प्लस 6b 30b करेक्ट है, और इधर से आया माइनस माइनस प्लस 6 तो प्लस 6, यह h का कोफिशियंट। अब h स्क्वायर का कोफिशियंट लिखते हैं, वो भी जरूरी है लिखना, उसके कोफिशियंट का रेशियो तो हमारा फाइनल वो आने वाला है LHD, तो h स्क्वायर का इधर तो कुछ नहीं है, इधर h स्क्वायर का कोफिशियंट है क्या है, ये तो 1 h स्क्वायर से -5b है, तो -5b और इधर से आया -1 अपॉन एच स्क्वायर। अब लिमिट एच टेंड्स टू, लिमिट एच इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो माइनस, ठीक है। अच्छा तो मैंने क्या बोला है, लिमिट को एग्जिस्ट करने नॉन जीरो फाइनाइट आने के लिए एच का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर नॉन फाइनाइट के लिए, बट मुझे नॉन जीरो भी चाहिए, इसलिए इट शुड एच, ये तो कोफिशिएंट जीरो करूंगा मैं, तो क्या आएगा इधर से
फाइव पाई प्लस थर्टी बी प्लस सिक्स, एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट, ये देखो ए मिसिंग हो गया इधर थोड़ा सा, ठीक है ना, इधर फाइव ए है ना, तो इधर फाइव पाई ए आएगा, तो ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो, तो एक रिलेशन मेरा ये आया, दिस इज माय इक्वेशन वन ए इन ए एंड बी। सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी, अब क्या बोलूंगा, डिफरेंशियबल है तो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो उधर से हम क्या निकाल के आए थे, पहले निकाल लिया था 21 बाय 25 आया था हमारा आर एच डी, और इधर क्या होगा एल एच डी, एच स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो, तो इधर एच स्क्वायर का न्यूमरेटर में क्या लिखा, माइनस फाइव बी माइनस वन, तो माइनस फाइव बी माइनस वन अपॉन ये माइनस थर्टी, डिनोमिनेटर में लिखा एच स्क्वायर, तो माइनस थर्टी, देख लो एक बार, जस्ट चेक इट आउट इफ इट इज राइट और नॉट, ठीक है, तो बस इधर से बी की वैल्यू आ गई, वो इधर रख दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, क्लियर है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम डेफिनेटली लेंथी है, ठीक है ना, ऑफ कोर्स दिस इज फॉर एडवांस ओनली, ठीक है ना, और एडवांस में भी मैं बोलूंगा कि मतलब इसमें क्या है, बेसिकली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब सिली मिस्टेक, जैसे अभी देखो मैंने भूल गया, मैंने इधर पाई नहीं लिख पाया था, सॉरी ए नहीं लिखा था, तो इस टाइप की मिस्टेक हो सकती है इसमें, बाकी लॉजिकली बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बोलूंगा इसको क्वेश्चन को, ठीक है ना, कंसेप्ट वाइज दिस इज नॉट दैट मच हार्ड, बट थोड़ा लेंथी है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई क्वेरी रहता है इसमें दोनों क्वेश्चन में कि सर मैंने ऐसे सोचा, यू कैन आस्क मी, ठीक है ना, और वैसे भी आज सैटरडे आई एम फ्री, पूरा फ्री रहता हूं मैं, ठीक है ना, आफ्टर डाउट सेशन 2 o'clock, सो यू विल एक्सपेक्ट माई रिप्लाई, डोंट वरी, कभी कभी बिजी हो जाते हैं तो रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, बट चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा डिफरेंशियबिलिटी में नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, जैसे मैंने कंटिन्यूटी में बोला था, क्या बोला था कि कंटिन्यूअस हो डिफरेंशियल, जैसे कंटिन्यूटी में क्या बोला था, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में तो क्या होना चाहिए, जैसे फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस इन अ लेट्स इंटरवल ए कॉमा बी, इट शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन दैट इंटरवल, सेम वही चीज है, थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना, क्या लिखूंगा मैं, इफ अ फंक्शन इज, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल, इंटरवल लेट्स से मैंने लिखा इंटरवल को डिफाइन किया ए क्लोज से बी क्लोज, ठीक है ना, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन एन इंटरवल ए कॉमा बी, देन इट शुड बी डिफरेंशियबल इन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन इट, ठीक है ना, देन इट शुड बी डिफरेंशियबल एट ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, एट ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, ये हो गया, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैंने बोला जैसे कंटिन्यूटी पे आते हैं, जैसे कंटिन्यूटी होता था तो हम क्या लिया था मैंने, ए इंटरमीडिएट पॉइंट लिए थे, फिर हमने एक्सट्रीम पॉइंट लिए थे, सिमिलरली इधर करेंगे हम, मैंने बोला मैथमेटिकली देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा फॉर अल्फा बिलोंगिंग्स टू ए ओपन से बी ओपन, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू ए ओपन से बी ओपन, लिमिट x is tending towards alpha, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, for alpha belonging to this LHD at x is equal to alpha is equal to RHD at x is equal to alpha, of course a और b के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं उधर LHD और RHD बराबर आना चाहिए, ठीक है, बट एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें हम, तो लेट्स से मैंने लिखा अगले for x is equal to alpha, so a, for x is equal to a, अब x is equal to a क्या है मेरा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, तो राइट में तो इसके ग्राफ ही नहीं है, तो इधर क्या करूं मैं, फिर इधर केवल और केवल आर एच डी निकालूंगा और देखूंगा कि आर एच डी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इफ आर एच डी एग्जिस्ट देन इट इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, समझ में आया, जैसे कंटिन्यूटी में क्या करते थे हम, आर एच एल के साथ साथ फंक्शनल वैल्यू भी देखते थे, दोनों बराबर होना चाहिए, इधर क्या बोलूंगा मैं सिंपली आर एच डी शुड एग्जिस्ट, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, दिस इज लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन ना, तो इधर मैं एल एच डी की तो बात ही नहीं करूंगा, और फिर मैं सिंपली क्या बचा मेरे पास ऑप्शन,
हमारा क्या होना चाहिए वैसे डिफरेंशियबल के लिए, जनरल पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए LHD should be equals to RHD, but since it is a leftmost point, तो बस इधर केवल बोलूँगा RHD अगर exist कर रहा है, तो function differentiable है. Similarly, for x is equal to b, LHD should exist. तो इसका कोई बहुत use नहीं है, theoretical part है, बस बता दिया for the completion, ठीक है ना? चलो अब main part पे आते हैं, जो हमारा काम का part है JEE के point of view से. तो video pause करो, इसको पहले तुम copy कर लो. ठीक है, अब हम वही चीज देखेंगे. कौन सी? कि अपन ने उस टाइम कंटिन्यूटी में देखा था कि जैसे कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है, डिफरेंट डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर कंपोजिट. तो वही चीज हम इधर देखने वाले हैं. ठीक है, और एग्जैक्ट वही है, रेप्लिका है, जैसा उधर था ना वही इधर है. तो ज्यादा हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है ना, तो हमें याद करने में भी आसानी इसलिए होगी क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज है. जैसे उधर था कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता है, इधर भी हमारा डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल होगा. उधर था हमारा कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस पक्का डिसकंटिन्यूअस होता है. इस पॉइंट पे मैंने स्ट्रेस भी दिया था, ये इंपॉर्टेंट है. इधर भी डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल होगा. ठीक है, अच्छा, बट उससे पहले हम कुछ कुछ फंक्शन ऐसे देख लेते हैं. जैसे हम, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं आगे जाके, कुछ दो फंक्शन क्लब करेंगे, एक डिफरेंशियबल होगा एक नॉन डिफरेंशियबल, फिर देखेंगे कि सम, उन दोनों का सम क्या है. तो पहले मैं कुछ फंक्शन ऐसे लिस्ट कर लेता हूं जो डिफरेंशियबल है पूरे डोमेन आर में. तो एक काम करो, पहले तुम लोग करो. मैंने बोला ऐसे फंक्शन दिस कॉमा दिस कॉमा दिस आर डिफरेंशियबल इन आर, आर डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल इन आर. तो तुम्हें इधर फंक्शन लिखने, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो जो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशियबल है थ्रू आउट द डोमेन आर. चलो मैं लिख रहा हूं. तो सबसे पहला जो फंक्शन जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है पूरे मैथमेटिक्स का, दैट इज साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, ये दोनों ही डिफरेंशियबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. उसके बाद आते हैं हम इस इनवर्स पे. इनवर्स में क्या आ जाएगा, एक तो टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये दोनों डिफरेंशियबल है थ्रू आउट आर. कंटिन्यूअस भी है, ऑफकोर्स डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस तो होंगे ही होंगे. ठीक है, वो तो हमने पहले ही देख चुका. उसके बाद जैसे हमने कंटिन्यूटी में मॉड एक्स को भी रखा था, लेकिन इधर मैं मॉड एक्स को नहीं रख रहा हूं बिकॉज मॉड एक्स जीरो पे नॉन डिफरेंशियबल होता है. ठीक है ना, कॉर्नर आता है हमारा, शार्प पॉइंट आता है. इसके अलावा हम बोल सकते हैं एनी पॉलिनोमियल और क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, या फिर जनरलाइज लिख लो e की पावर x. तो ये सारे मेरे फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है थ्रू आउट द डोमेन, थ्रू आउट द नॉट डोमेन, इनडिफरेंशियबल इन आर, इनडिफरेंशियबल इन आर, दे आर डिफरेंशियबल इन आर. ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला नेक्स्ट फंक्शन, चलो इसे डायरेक्टली लिख रहा हूं, ऐसे फंक्शन जो डिफरेंशियबल है, मतलब जिनके ग्राफ डिफरेंशियबल है ऐसे बोल सकते हैं हम. तो उसमें क्या आ जाएगा मेरा, लॉग एक्स और या फिर एल एन एक्स बोल दो. दिस इज वॉट डिफरेंशियल, ऐसे लिख लो फंक्शन दिस एंड दिस हैव डिफरेंशियबल ग्राफ, हैव डिफरेंशियबल, हैव डिफरेंशियबल ग्राफ. क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो ये तो हमारे दो पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा मॉड एक्स से रिलेटेड. ठीक है ना, मॉड एक्स इज, इसको लिख लो, मैं अलग से स्पेसिफाई इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि अभी क्वेश्चंस में यूज होने वाला है. वैसे तो हमें पता है बट दिस इज, मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है बट फिर भी हम लिख रहे हैं इसको, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे हमारे. तो मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला एक चीज और स्टेटमेंट में दे रहा हूं कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है ना, कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, मान लो एक मिनट के लिए मैंने बोला कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, और अगर मैंने उसके ऊपर मॉड लगाया तो पक्का वो कंटिन्यूअस रहेगा. मॉड लगाने से कंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, ऐसा लिख लो इफ यू वांट टू राइट. बट डिफरेंशियबिलिटी में ऐसा नहीं है, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है और अगर मैंने मॉड लगा दिया तो डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, फॉर जैसे नहीं हो सकता के लिए तो यही वाला एग्जाम्पल है मॉड एक्स, पहले तो एक्स था डिफरेंशियबल बट मॉड लगाने के बाद क्या हो गया, नॉन डिफरेंशियबल हो गया. और ऐसे फंक्शन जो मॉड लगाने के बाद डिफरेंशियबल तब भी रहे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो, दे ऑल आर डिफरेंशियबल आफ्टर पुटिंग मॉड आल्सो.
क्लियर है, समझ में आया क्या बोला मैं? तो ऐसे लिख लो, लिखना इन योर ओन वर्ड्स यू कैन राइट, ठीक है ना। कंटिन्यू, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है मॉड लगाने पे वो कंटिन्यूअस ही रहता है, बट डिफरेंशियबिलिटी में ऐसा नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है मॉड लगाया हमने तो डिफरेंशियल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है फंक्शन क्या है, और वो कब नहीं होगा उसका भी एक्सप्लेनेशन है, वो भी हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे, ठीक है ना, जब हम देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ मॉड फंक्शन, ठीक है ना। एक अलग ही सेपरेट पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे, उस पर हम मॉड पे बहुत फोकस करने वाले हैं, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम आगे जब करते हैं। अब मैं फाइनली वो चीज लिखता हूं जो हमने कंटिन्यूटी में लिखी थी, डिफरेंशियल कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस, वो सब चीजें, ठीक है, सेम चीजें बस डिफरेंशियबिलिटी में। तो सबसे पहले उधर क्या था, कंटिन्यू, तो इधर हो गया डिफरेंशियबल प्लस माइनस डिफरेंशियबल इज व्हाट माय डिफरेंशियबल, सेम लाइक कंटिन्यूटी, दो फंक्शन डिफरेंशियबल है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, डिफरेंशियल होगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल, डिनोमिनेटर के लिए वही होगा, मतलब इसके लिए डिविजन के लिए क्या होगा, डिफरेंशियल, ऑफकोर्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो हम उधर भी लिखे थे, तो ये एग्जैक्टली सेम हो गया हमारा उसकी तरह जो हम उधर कंटिन्यूटी में चेक किए थे। अब मैंने बोला अब आते हैं एडिशन वाले पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उधर भी मैंने स्ट्रेस दिया था, इधर भी मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, इट इज नॉन डिफरेंशियबल। तुरंत बोलेंगे हमें फंक्शन देखने की जरूरत ही नहीं, एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमें पता है कि अगर एक डिफरेंशियबल एक नॉन डिफरेंशियबल है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे ओवरऑल द फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशियबल 100%। हाँ, बट अगर मान लो दोनों नॉन डिफरेंशियबल हैं, दोनों नॉन डिफरेंशियबल हैं, ठीक है ना, तब हम बोलेंगे डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाएंगे, बट हाँ फंक्शन पता है तो फिर हम उसका प्रॉपर प्रोसीजर से एनालिसिस करेंगे, जैसे वही फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका एलएचडी और आरएचडी निकालेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, बट डायरेक्टली हम नहीं बोल पाएंगे। चलो और कौन सा कॉम्बिनेशन बचता है, प्लस में हो गया, हाँ नॉन डिफरेंशियबल इंटू डिफरेंशियबल, ये उधर इंपॉर्टेंट था, कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस, बट इधर ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए भी अगेन डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, उधर इसको भी मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था, इसको तो ऐसे हमने सेपरेट थ्योरम भी पढ़ा था, याद है ना, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट उसमें एक स्पेशल केस होता था, जब कंटिन्यूअस फंक्शन जीरो होता है ना जिस पॉइंट में निकाल रहे हैं तो वो ओवरऑल फंक्शन को कंटिन्यूअस बना देता था, ठीक है ना। और लास्ट इसमें नॉन डिस्कंट, नॉन डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल, अगेन नथिंग कैन बी सेड, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। फिर आते कंपोजिट में, डिफरेंशियबल ऑफ डिफरेंशियबल, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज कंपोजिट, डिफरेंशियबल ऑफ डिफरेंशियबल पक्का डिफरेंशियबल होगा, पक्का डिफरेंशियबल होगा कंपोजिट फंक्शन। बट बाकी के जो तीन कॉम्बिनेशन बचते हैं, डिफरेंशियबल ऑफ नॉन डिफरेंशियबल, या फिर नॉन डिफरेंशियबल ऑफ डिफरेंशियबल, या फिर फाइनली नॉन डिफरेंशियबल ऑफ नॉन डिफरेंशियबल, दीज आर अगेन नथिंग कैन बी सेड, वो चीज कॉपी कर लेना, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल दैट माइट बी कंटिन्यूअस डिफरेंशियबल और नॉट डिफरेंशियबल। फिर हमें अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया है एग्जाम में तो फिर हमें प्रॉपर प्रोसीजर से निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे हम, ठीक है ना, जैसे इन सब में डायरेक्टली बोल रहे हैं, इनमें डायरेक्टली बोल पा रहे हैं, इसमें डायरेक्टली बोल पा रहे हैं, और इधर डायरेक्टली बोल पा रहे हैं, और सबसे वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाला डायरेक्टली, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे हम तो इसका यूज बहुत होगा, ठीक है, और अगर मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो आ रहा है तो फिर हम प्रॉपर प्रोसीजर से जाएंगे, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं इसके बेसिस पे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, चलो मैंने बोला सिंपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, व्हाट इज दिस, डिफरेंशियबल और नॉट, बहुत सिंपल सा पार्ट है ये, तो अभी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो अगेन दिस इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, ये तो अभी हमने देखा था, और ये पॉलिनोमियल है, ये भी डिफरेंशियबल होता है हर एक जगह, तो ओवरऑल क्या होगा, हमारा फंक्शन विल बी डिफरेंशियबल, क्लियर है। फिर मैंने लिखा और लिख लेते हैं, लेट से टेन इनवर्स एक्स इंटू लेट से फाइव की पावर एक्स, क्या होगा,
अगेन डिफरेंशियबल, क्यों? ये भी डिफरेंशियबल है थ्रू आउट डोमेन, ये भी डिफरेंशियबल है डोमेन नहीं, थ्रू आउट ऑल फॉर ऑल रियल नंबर एक्स दिस इज डिफरेंशियबल एंड दिस इज डिफरेंशियबल, ओवरऑल इज दिस डिफरेंशियबल। चलो मैंने वो लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन लेट से एक्स स्क्वायर, कमेंट ऑन दिस, क्या ये डिफरेंशियबल है? तो हमारा आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि हम डोमेन में देखेंगे ना, इसका एक्स एक्स नेगेटिव के लिए इसका तो ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट करता, एक्स डोमेन में ही नहीं है, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो ये फंक्शन डिफरेंशियबल है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो लेट मी ओपन, इट इज लाइट गई है थोड़ी सी, ठीक है ना, सो लेट मी ओपन द डोर। क्लियर है यहां तक मैं क्या बोला? तो एफ एक्स इजिकल टू एल एन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, ऐसे लिख लो, नहीं तो डिफरेंशियबल इन आर प्लस, मतलब जो इसका डोमेन है ना उसमें तो डिफरेंशियबल है, क्योंकि R प्लस में क्या है, ये भी डिफरेंशियबल है, ये भी डिफरेंशियबल है, तो डिफरेंशियबल अपॉन डिफरेंशियबल क्या होगा, डिफरेंशियबल, तो दिस इज डिफरेंशियबल। समझ में आया? तो ऐसे लिख लो डिफरेंशियबल इन R प्लस, और R प्लस में ही चेक करेंगे, ठीक है ना। चलो अब और एग्जांपल देख लेते हैं हम, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। एक्चुअली लाइट कट गया है थोड़ा सा, तो मे बी थोड़ा डार्क दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है, बट मैंने देखा कैमरे में जाके इट इज विजिबल एक्चुअली, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम, वैसे मैं सोचा था पॉज कर दूं वीडियो को, बट विल कंटिन्यू, डोंट वरी। सो नेक्स्ट इज लेट्स से फोर्थ वन, अभी हमने देखा मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स, थोड़ा मैं इस साइड ही लिखता हूँ, ठीक है ना, सो दैट इट इज मोर विजिबल। तो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या करें हम, तो एनालिसिस कैसे करें? देखो ये तो हर जगह डिफरेंशियबल है, ये भी हर एक जगह डिफरेंशियबल है एक्सेप्ट जीरो पे, तो कैसे ब्रेक करूं मैं एनालिसिस, कैसे ब्रेक करूं? मतलब फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो नहीं है तब ये भी डिफरेंशियबल है, ये भी डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल इज डिफरेंशियबल। फिर मैंने बोला फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, इससे पूरा एनालिसिस हो जाएगा सारे एक्स के लिए, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल, फॉर एक्स इक्वल टू जीरो ये मेरा क्या है, नॉन डिफरेंशियबल, दिस इज नॉन डिफरेंशियबल, और ये क्या है cos x डिफरेंशियबल, तो नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल क्या हो जाएगा हमारा, नॉन डिफरेंशियबल, दिस इज इंपॉर्टेंट, बताया ना, इसलिए मैंने थोड़ा स्ट्रेस दिया था इस पे, ठीक है ना। फिर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, देखो वैसे भी आ जाएगा, तुम क्या करो, तुम चलो एक काम देता हूं तुम लोगों को, मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो विद प्रॉपर प्रोसीजर, आरएलटी एलएचटी निकाल के, देन यू विल सी कि हाँ वो नॉन डिफरेंशियबल आएगा, 100% आएगा, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस सिग्नम एक्स, और एक और लिख लेता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है मॉड एक्स इंटू साइन एक्स, दिस इज एग्जाम, दिस इज वन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन थ्री एक्स, ठीक है, ये तीनों एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन एंड अप कर देंगे, ठीक है ना, फिर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो देखो मैंने बोला मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस सिग्नम एक्स, तो अगेन करते हैं एनालिसिस, तो मैंने बोला पहले हम ये देख लेते हैं ये कहां डिस्कंटिन्यूअस है, तो ये कहां डिस्कंटिन्यूअस होगा, बेसिकली मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री क्या होगा, वैसे मॉड की अभी हम डिफरेंशियबिलिटी अलग से देखने वाले हैं डिटेल में बहुत, बट ये तो बहुत आसान सा ग्राफ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री क्या होगा, सिमिलरली ऐसा हो जाएगा वो मॉड एक्स का ग्राफ थ्री यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हम वैसे देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में, तो ये तो क्या है नॉन डिफरेंशियबल थ्री पे है, ये नॉन डिफरेंशियबल कहां है, ये डिस्कंटिन्यूअस जीरो पे होता है, तो जीरो पे डिस्कंटिन्यूअस है, तो मतलब जीरो पे नॉन डिफरेंशियबल है, तो जीरो और थ्री के अलावा मैंने बोला फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा थ्री, मतलब जीरो और थ्री के अलावा दिस इज कंटिन्यूअस सॉरी डिफरेंशियबल एंड दिस इज डिफरेंशियबल, तो ओवरऑल क्या हो गया डिफरेंशियबल। फिर मैंने बोला फॉर एक्स इक्वल्स टू, अब जीरो के लिए अलग से एनालिसिस कर लेते हैं और थ्री के लिए, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री के लिए अलग से, तो जीरो के लिए क्या बोलूंगा मैं, ये मेरा क्या है, ये तो डिफरेंशियबल है जीरो के लिए, तो दिस इज डिफरेंशियबल एंड दिस इज नॉन डिफरेंशियबल, तो मैंने बताया डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल, तो ये हमारा नॉन डिफरेंशियबल हो गया। एंड लास्टली हियर एक्स इज इक्वल टू थ्री पे, अब ये डिफरेंशियबल नहीं है, तो दिस इज नॉन डिफरेंशियबल, बट ये तो डिफरेंशियबल है सिग्नम एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट होता है वो तो वन होता है, तो ये हो गया प्लस डिफरेंशियबल, तो ओवरऑल क्या आया हमारा नॉन डिफरेंशियबल। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम इसके उस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो।
चलो नेक्स्ट इज मॉड एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये भी बहुत आसान सा है, मॉड एक्स इंटू साइन एक्स आसान सा है बोलने में, लेकिन अभी देखना दिक्कत क्या है। तो मैंने बोला एक्स इजिकल टू जीरो पे, ये एक्स इजिकल टू जीरो को छोड़ के चलो मैंने ऐसे एनालिसिस कैसे किया, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो नहीं है तब क्या हो गया मेरा डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल, इट इज डिफरेंशियबल, डोंट राइट डिफरेंशियल का स्क्वायर, ठीक है ना, डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल इज डिफरेंशियबल। अब मैंने बोला फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब आया इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है ना, डिफरेंशियबल फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो दिस इज नॉन डिफरेंशियबल एंड दिस इज डिफरेंशियबल। लकीली लाइट आ गया तो हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा, ठीक है, तो मैं क्लोज कर देता हूं डोर को। चलो हाँ, मैंने बोला फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो नॉन डिफरेंशियबल इंटू डिफरेंशियबल क्या होगा, तो क्या लिखाया था मैंने इसमें, डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, तो ठीक है डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पा रहे बट प्रॉपर प्रोसीजर से तो इसको कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा हमें। तो मैंने बोला ठीक है इधर पहले लिख लो डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट, डायरेक्टली तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, फिर लिख लो दिस इंप्लाइज सॉल्व इट प्रोसीजरली, सॉल्व इट विथ प्रोसीजर, ठीक है। तो क्या था हमारा, कैसे निकाला है, जीरो पे चेक करना है, तो देखो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ठीक है। अच्छा अब एफ जीरो क्या होगा, ऑफकोर्स जीरो, और एफ एक्स क्या मेरा ये, तो फाइनली दिस इज व्हाट लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू दर जीरो। अच्छा एल एच डी आर एच डी मैं एक साथ निकाल रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो उसको सेपरेट कर लूंगा, ठीक है ना, अगर लगा लास्ट में कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि एल एच डी और आर एच डी से फर्क पड़ रहा है, मतलब जीरो के अप्रोच करने से लेफ्ट से और राइट से फर्क पड़ रहा है तो हम अलग अलग निकाल लेंगे, जब तक नहीं जरूरत पड़ रही है एक साथ ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मॉड एक्स इंटू साइन एक्स, मॉड एक्स इंटू साइन एक्स, और ये माइनस एफ जीरो मतलब जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो मतलब एक्स हो गया। सो बेसिकली अब देखो क्या आ रहा है हमारा, क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो देखो पहले मैंने लिखा अभी तो है लेकिन इसको मैंने ऐसे लिख लिया मॉड एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स, ऐसे लिख लिया, लिख सकता हूं बिल्कुल। अब मैंने बोला मल्टीप्लीकेशन में मैंने बताया था कि लिमिट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट इज नॉन जीरो फाइनाइट, तो दिख रहा है क्लियरली साइन एक्स बाय एक्स क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट है, वन की तरफ जाती है, तो ये तो जा रहा है जीरो की तरफ और ये जा रहा है वन की तरफ, तो ओवरऑल मेरा प्रोडक्ट क्या होगा जीरो की तरफ जाएगा, हेंस इसका लिमिट क्या होगा जीरो, तो फाइनली मेरे को क्या आया एफ डैश जीरो इज जीरो, तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पहले तो मैंने क्या लिखा था, फंक्शन इज डिफरेंशियबल फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हमने एनालिसिस कैसे किया था, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इट इज डिफरेंशियबल, फिर एक्स इक्वल टू जीरो के लिए भी क्या निकल के आया फाइनली डिफरेंशियबल, तो हम क्या बोलेंगे दिस इज फंक्शन, दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, लिख लो प्रॉपर फंक्शन इज फाइनल आंसर, फंक्शन इज डिफरेंशियबल, फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन पर प्रूव करते हैं, उसके बाद एक नया चीज देखेंगे, ठीक है। चलो तो लास्ट हमारा क्या बना है, तुम पहले एनालिसिस करो इसका, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, उससे बेटर क्वेश्चन है अभी तक जो हमने किया उससे सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोल रहा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जो अब रिलेटिवली हमने किया उन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, तो एक बार वीडियो पॉज करो तुम लोग इसको एक बार खुद से ट्राई करो, मैं अब बता रहा हूं। तो पहले तो मैं क्वेश्चन इधर लिख लेता हूं, थ्री मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन थ्री एक्स, क्लियर है यहां तक, मैं इधर से रब कर रहा हूं। चलो तो कैसे स्टार्ट करें, तो पहले मैंने बोला पहले इसको देख लेते हैं ये डिफरेंशियबल कहां कहां नहीं है, ये तो दिख रहा है ये तो जीरो पे डिफरेंशियबल नहीं है, इसको और चेक कर लेते हैं, तो साइन थ्री एक्स तो पता है इसका पीरियड क्या होता है, साइन थ्री एक्स का केवल बोल रहा हूं मैं, मॉड को हटाओ एक मिनट के लिए, साइन थ्री एक्स का इज टू पाई बाय थ्री, तो बेसिकली ये ऐसा होता है, ऐसा होता है दिस इज टू पाई बाय थ्री, ठीक है एंड सो ऑन, बट मॉड लगा दिया तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, सो आई विल रब दिस पार्ट एंड इट विल बी लाइक दिस, सो दिस इज पाई बाय थ्री, अगेन दिस विल पार्ट विल गो ऊपर, ये आ जाएगा माइनस पाई बाय थ्री एंड दिस इज जीरो, ठीक है। सिमिलरली वो लास्ट वाला साइकिल बना लेना,
तो अब मैंने देखा ये कहां कहां नॉन डिफरेंशियबल है, दिख रहा है क्लियरली, इट इज नॉन डिफरेंशियबल एट ये पॉइंट पे, सिमिलरली इस पॉइंट पे, यू कैन सी टेंजेंट अलग अलग है। और भी ज्यादा क्लियरिटी से देखना है तो तुम इसका सिंपलर इसका निकाल लो, सिंपली साइन 3x का डेरिवेटिव निकाल लो एट x इक्वल टू पाई बाय 3, ठीक है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो इसके एक देखो इस ये मतलब मैंने कह रहा हूं मतलब पाई बाय 3 पे मैं चेक कर रहा हूं, तो दिस इज एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन 3x, ठीक है ना, बिकॉज मैं इसका डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं इस फंक्शन की, ठीक है ना, तुम साइन 3x मत लिख लेना इधर भी, समझ में आ रहा है क्यों, बिकॉज साइन ऑफ 3x पाई बाय 3 प्लस पे, दिस इज अ नेगेटिव, सो इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, क्लियर है, और बाकी टेंजेंट से क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला ये फंक्शन ऐसे लिख लो प्रॉपर, दिस इज नॉन डिफरेंशियबल एट एन पाई बाय 3, और दिस इज नॉन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0 ओनली। चलो अब एनालिसिस करते हैं फादर, क्या करें, तो मैंने पहले तो ऐसे लिखा क्या, फॉर x नॉट इक्वल टू n पाई बाय 3, n पाई बाय 3 के अलावा, n पाई बाय 3 के अलावा, ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n पाई बाय 3 के अलावा ये भी मेरा डिफरेंशियबल है, ये भी डिफरेंशियबल है, तो ओवरऑल मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल, मैं जीरो नहीं ले रहा हूं इधर n को, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग जीरो n और रेस्ट ऑल सबके लिए, तो ये डिफरेंशियबल हो गया। अब मैं n पाई बाय 3 पे आता हूं, फिर मैंने लिखा n पाई बाय 3 पे क्या होगा, तो देखो फिर इसको भी फिर मैं दो में ब्रेक कर रहा हूं, देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं, बिकॉज दो में मैं इसलिए ब्रेक कर रहा हूं, एक बार जीरो लूंगा और एक बार नहीं लूंगा, तो मैंने लिखा एट x इज इक्वल टू एन पाई बाय 3 माइनस 0, जीरो को अलग से देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आया, जीरो को अलग से चेक करेंगे, सुनना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, n पाई बाय 3 माइनस 0 लिया मैंने, इस ये ऐसा करने पे क्या हुआ, अब एक ही सेकंड में आ जाएगा आंसर, क्योंकि n पाई बाय 3 माइनस 0 पे ये मेरा क्या है, डिफरेंशियबल, और ये नॉन डिफरेंशियबल, तो पक्का आंसर क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल। क्लियर हुआ कैसे एनालिसिस ब्रेक करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो अच्छा, लास्टली एट x इज इक्वल टू 0, ये अगेन इस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इधर फिर हम डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे ये भी नॉन डिफरेंशियबल है, ये भी नॉन डिफरेंशियबल है, तो नॉन डिफरेंशियबल प्लस नॉन डिफरेंशियबल क्या बोलूंगा, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो नहीं बोल सकते, तो कोई बात नहीं, फिर हम प्रॉपर प्रोसीजर से करते हैं इसका, ठीक है ना, फिर हम प्रॉपर प्रोसीजर से करते हैं, तो चलो मैंने बोला जीरो पे हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, और मेथड हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेट्स से मैं डिफरेंशिएशन वाला यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, दैट विल बी इजीयर फॉर मी। तो पहले क्या किया, x इज इक्वल टू 0 के, 0 के विसिनिटी में, मतलब 0 के पास इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, तो मैं कैसे लिख रहा हूं देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 के पास, तो मैंने कहा 0 माइनस पे, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट 0 माइनस पे, ये कैसे ओपन होगा, माइनस 3x, तो दिस विल बी माइनस 3x प्लस साइन 3x फॉर x लेस देन 0, अगेन अब ऐसा मैं सोचना मैंने थ्रू आउट द डोमेन x लेस, सभी x लेस देन 0 के लिए ही होगा, नहीं, मैं केवल और केवल फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं इन द विसिनिटी ऑफ 0, मतलब 0 के आसपास, डिफाइनिंग fx ऐसे लिख लो, डिफाइनिंग fx एट अराउंड x इज इक्वल टू 0, एट अराउंड x इज इक्वल टू 0, और दिस विल बी 0 प्लस पे, दिस विल बी 3x एंड दिस विल बी माइनस साइन 3x फॉर x ग्रेटर देन 0, एंड इट इज 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, तो क्लियरली दिख रहा है, दिस इज 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत यहां तक, आई होप नहीं आना चाहिए अभी तक, इस पार्ट के कारण ये लेंथी हो गया थोड़ा सा, 0 के कारण। अब क्या करें, मैंने बोला डिफरेंशियबिलिटी वाला चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन से यूज कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस तो दिख रहा है क्लियरली, तो डिफरेंशिएशन वाले मेथड में क्या करते हैं, पहले हम बेसिकली कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो भाई तो वो तो एक ही उससे आया है हमारा, कंटिन्यूस तो है ही, तो बाकी इधर देख लो, 0 माइनस पे 0 होगा, 0 प्लस पे 0 होगा, फंक्शनल वैल्यू 0 है, तो कंटिन्यूस तो है। अब मैंने कहा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आया, माइनस 3x का माइनस 3, और साइन 3x का क्या आएगा, प्लस 3 cos 3x, चेन रूल से 3 आ जाता है बाहर, तो ये हो गया फॉर x लेस देन 0, और x नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3
माइनस थ्री कॉस थ्री एक्स, दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। अच्छा अब एफ डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू देख लेते हैं, एक्स इजिकल टू जीरो पे। तो मैंने बोला था एफ डैश एक्स, चलो ऐसे लिख लिया, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, तुम लोग लिमिट लगा के लिखो, एफ डैश जीरो प्लस और एक एफ डैश जीरो माइनस। मतलब क्या कर रहा हूं बेसिकली, एफ डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो जीरो प्लस पे नीचे वाला डेफिनेशन यूज होगा, तो थ्री माइनस थ्री जीरो को जाएगा, तो मतलब ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो माइनस पे ये डेफिनेशन यूज होगी, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो पे, तो एक्सैक्टली। तो ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, जो एफ एक्स है, ये जो फंक्शन है, दिस इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। डायरेक्टली तो नहीं बोल पाए थे, बट हमने प्रॉपर प्रोसीजर से किया, तो वी कैन कमेंट कि दिस इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो ओवरऑल आंसर क्या आया हमारा इस क्वेश्चन का, फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या लिखूं मैं, देखो प्रॉपर लिखते हैं इसका आंसर। मैंने बोला फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर एक्सेप्ट, देखो प्रॉपर स्टेटमेंट सुनना ध्यान से, फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एन पाई बाय थ्री वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। अच्छा मैं जैसे क्लासरूम में होते हैं तो तब इंटरेक्शन करने मजा भी आता है, तो मेरा जनरली मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, इसका मतलब करेक्ट नहीं है। क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एन पाई बाय थ्री वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, माइनस इस इंटीजर में जीरो हटाना पड़ेगा, बिकॉज जीरो रख दिया तो जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, बट जीरो पे तो हमने निकाला ना वो डिफरेंशियबल है। तो फंक्शन इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एन पाई बाय थ्री वेयर माई आई बिलोंग्स टू, सॉरी एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, क्लियर है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसमें, दैट इज वेयर टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी, वेयर टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी। जैसे हमारा कंटिन्यूटी में था, कंटिन्यूटी हम कहां कहां चेक करते हैं, तो वही स्टेप पे, बस में एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो स्टेप कौन सा होगा, रिलेटेड टू मॉड वाला। तो पहले लिख लेते हैं वेयर टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी, टॉपिक का नाम वेयर टू चेक डिफरेंशियबिलिटी। वेयर टू चेक डिफरेंशियबिलिटी, तो मैंने बोला कंटिन्यूटी में क्या था, पहले एक बार रिकॉल करते हैं, पहला पॉइंट क्या था, वेयर द फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, वहां कंटिन्यूटी चेक करना होता है। तो पहला पॉइंट तो सेम इधर भी है, वेयर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, ठीक है ना, जहां फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा वहां चेक करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां डिफरेंशियबल नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हाँ वहां चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, फिर क्या लिखा था हमने कंटिन्यूटी में, कि जहां जो एक्सप्रेशन जिसको हमको चेक करना है उसके अंदर जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है उनमें से अगर कोई डिसकंटिन्यूअस है तब हम उस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो सिमिलरली हियर, वेयर एवर द फंक्शन इन्वॉल्व इन अवर एक्सप्रेशन या फिर इन अवर मेन फंक्शन ऐसे लिख लो, इज नॉन डिफरेंशियबल और डिसकंटिन्यूअस और अनडिफाइंड, क्लियर है। जैसे बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया उसके अंदर जो छोटे छोटे फंक्शन वन है, हम देख लेंगे वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल कहां कहां नहीं है, या फिर वो कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, वो कहां कहां अनडिफाइंड है, उन सभी पॉइंट्स पे हमें ओवरऑल जो मेन फंक्शन है ना हमारे उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। और लास्टली जो उसमें नहीं था वो इधर है, दैट इज मैंने अभी बोला भी था रिलेटेड टू मॉड। देखो अब ध्यान से सुनना, जैसे अभी इसको समझने के लिए, जैसे मॉड एक्स का था हमें पता है इसकी डिफरेंशियबिलिटी क्या है, जीरो पे नॉन डिफरेंशियबल है। सिमिलरली मैंने बोला मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ये कहां डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल है, थ्री पे है। फिर मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, ये मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक हो गया, ये कहां नॉन डिफरेंशियबल है, टू पे थ्री पे। अच्छा इसके आधार पर मैं क्या लिखूं, देखो इसके आधार पर मैं ये लिख रहा हूं वेयर एवर द क्वांटिटी इनसाइड मॉड इज गेटिंग जीरो फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू चेक। लिख लो पहले, वेयर एवर
द क्वांटिटी, वेयर एवर द क्वांटिटी इनसाइड मॉड इज गेटिंग जीरो, इज गेटिंग जीरो फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स डिफरेंशियबिलिटी शुड बी चेक्ड, फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी शुड बी चेक्ड, शुड बी चेक्ड। क्लियर है? अब कोई बोलेगा अरे सर इधर तो डायरेक्टली आप बोल ही रहे हो नॉन डिफरेंशियबल है, तो चेक करने की क्या जरूरत है? अभी समझ में आएगा इसका मतलब, इसका और अच्छे से मतलब अभी समझ में आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मॉड लगा दिया तो नॉन डिफरेंशियबल हो गया। इन केसेस में हो गया, ठीक है ना, इन केसेस में हो गया, बट फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, तो अब बताओ कहां हुआ? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है ना, तो आया ना गलत। एक्चुअली मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? दिस इज डिफरेंशियबल। तो इन तीनों के लिए तो वो रूल ठीक था कि भाई क्वांटिटी इनसाइड गेटिंग इज जीरो, इट इज नॉन डिफरेंशियबल। बट हर वक्त नहीं होगा, जब भी क्वांटिटी इनसाइड मॉड इज गेटिंग जीरो उस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा इट इज नॉन डिफरेंशियबल, वैसे भी मैंने बोला अभी मॉड के बारे में हम आएंगे नेक्स्ट, कल की क्लास में आएंगे, ठीक है ना, मॉड के बारे में तब और बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। अभी के लिए मैंने क्या बोला, अभी के लिए इतना याद रखो कि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो जब जीरो हो रही है ना उस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है, ठीक है। चलो इसके बेसिस पे अब हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, और इवनिंग में 6 o'clock, ठीक है ना, जैसा ही कल डिसाइड हुआ था, आई पोस्ट पेपर ऑन द ग्रुप, ठीक है, और कल के पेपर का डिस्कशन भी लेना है, तो कुछ बच्चों ने तो सेंड कर दिए डाउट्स, तो जिन्होंने किए हैं वो वाले क्वेश्चंस मैं एक काम करूंगा लेक्चर अपलोड, आज लेक्चर बना के दोपहर तक या शाम तक जैसा भी होगा अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए अभी भी अगर तुम देख रहे हो तो मैं तुमने डाउट सेंड नहीं किए हैं तो जस्ट सेंड मी, बिकॉज मेरे पास मैक्सिमम तीन या तीन बच्चों के आए तो ओवरऑल क्वेश्चंस 5 या 6 डाउट्स हैं, तो देख लो तो तुम्हें अगर ज्यादा डाउट्स हैं जो पेपर था तो यू कैन सेंड मी, बट मतलब दोपहर से पहले भेजना, उसके बाद मेरे को बनाना होगा, ठीक है ना, बिफोर 2 o'clock जस्ट सेंड मी द डाउट्स ऑफ पेपर यस्टरडेज पेपर। चलो क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी ऑफ, डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 10 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेट मी चेंज द पेन, ठीक है, डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स दिस। अब मैंने बोला डिस्कस करना है, इसने बोला तो है नहीं कि कहां चेक करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इन्वॉल्व होते हैं, मतलब थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगती है, ठीक है ना। एक तो क्या है कि वो बोल दे कि भाई चेक करो डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 2 व्हाटएवर, बट नहीं देता तब हमारे वाले पॉइंट्स यूज होंगे जो मैंने अभी लिखा है, वेयर टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ऐसे हर एक जगह तो नहीं कर सकते ना, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो हर एक जगह तो नहीं करते बैठेंगे, तो उसके लिए हमें वो सब पॉइंट्स पता होना चाहिए। तो मैंने बोला पहला पॉइंट, अब मैंने बोला चलो ऐसे लिख लें डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी नीड्स टू बी चेक्ड एट, नीड्स टू बी चेक्ड एट एक्स इज इक्वल टू, बताओ क्या क्या होगा, पहले वीडियो पॉज करके तुम लिखो इधर कहां कहां चेक करने की जरूरत है, लेट मी नो, पॉज करो वीडियो और मुझे बताओ, वीडियो पॉज करके इसको बताओ, मैं अब बता रहा हूं इसको, ठीक है ना। मैंने बोला डिफरेंशियबिलिटी नीड्स टू बी चेक्ड एट एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले सबसे फोरमोस्ट थिंग, जहां फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, 1 पे चेंज कर रहा है तो 1 पे तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा था, वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन और एक्सप्रेशन क्या हो, नॉन डिफरेंशियबल हो, तो दिख रहा है मॉड एक्स है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 है, या फिर थर्ड पॉइंट के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि वेयर एवर द क्वांटिटी इनसाइड मॉड इज गेटिंग जीरो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एक्स वी नीड टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी। तो इधर मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी चेक करूंगा और 3 पे भी चेक करूंगा, 3 पे क्यों, क्योंकि इसके कारण 0 पे इसके कारण, इसके क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 कब हो रही है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, इधर मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 कब हो रही है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे, तो 0 और 3 पे भी चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अब मैंने क्या किया, फंक्शन को बेटर लिखने के लिए, बिकॉज मुझे इन तीन जगह चेक करना है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन ब्रेक कर दी, इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन ब्रेक कर दी। इसका मतलब क्या है,
मैंने देखा फॉर एक्स लेस देन जीरो, फॉर एक्स लेस देन जीरो क्या होगा मेरा, एक्स लेस देन जीरो के लिए ये डेफिनेशन यूज होगी। इसमें भी x इंटू लेस देन जीरो के लिए मॉड x कैसे ओपन होगा, माइनस x की तरह, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन जीरो, क्लियर है। फिर मैंने बोला x इज ग्रेटर देन जीरो, चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन वन, लेस देन वन, तो जीरो से वन के लिए अगेन यही वाली डेफिनेशन यूज होगी, बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो x क्या नॉन नेगेटिव है, तो ये मॉड x कैसे ओपन होगा विद सिंपल x, सो दिस विल बी x स्क्वायर। समझ में आ रहा, मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस मैं ब्रेक कर रहा हूं। अब जैसे लेस देन जीरो के लिए जीरो से वन हो गया, अब डेफिनेटली क्या होगा वन से थ्री, अब क्या होगा जीरो से वन हो गया, ठीक है जीरो, चलो मैं इधर प्लॉट कर लेता हूं जीरो वन और थ्री, तो ये इंटरवल हो गया, ये हो गया, अब वन से थ्री, तो मैंने बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन थ्री, एक मिनट, हाँ क्लियर है। अब देखो इसके लिए कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, वन के बाद थ्री से पहले, ये वाली डेफिनेशन। अच्छा अब x 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो मॉड है अंदर जीचे वाला जो मॉड है वो कैसे ओपन होगा, मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी, इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। तो देखो क्या होगा, मैं पहले इधर इधर लिख रहा हूं फॉर इस इंटरवल के लिए, इधर लिख रहा हूं फिर इधर फाइनली इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स एक्स माइनस थ्री माइनस टेन, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और फिफ्टीन माइनस टेन प्लस फाइव, पंद्रह माइनस दस पांच, तो ये हो गया मेरा x square minus 5x plus 5 for this interval, and lastly for x greater than equals to 3, x greater than equals to 3 के लिए, अच्छा equal to इधर भी लगा सकते 3, इधर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, 3 पे यही definition यूज होगी और ये part वैसे भी 0 होगा, तो चाहे positive के साथ हो पाना चाहे negative के साथ हो, exact 3 पे तो ऊपर वाली definition और नीचे वाले कोई भी use कर सकते हैं, but 3 plus के लिए ये mod positive के साथ ओपन होगा तो ये positive आ जाएगा, तो मेरा इधर क्या हो जाएगा प्लस 5x और माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, एक मिनट, माइनस 25, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, रीडिफाइंड फंक्शन। अब हम चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंशियबिलिटी, अच्छा डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करने के लिए क्या किया अपन ने, अपन ने डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज किया, ऑफकोर्स ईजी है डिफरेंशिएशन वाला मेथड, तो चलो चेक करते हैं। तो पहले मैंने देखा 0 1 3 पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो देख लेते हैं f ऑफ 0, तो मैंने लिखा 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो पहले f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 इज 0, f ऑफ 0 माइनस 0, f ऑफ 0 प्लस 0, तो क्या है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फिर मैंने 1 पे चेक किया, f ऑफ 1 एग्जैक्ट 1 पे क्या होगा, ये डेफिनेशन यूज होगी, हाँ 5 प्लस 1 6 माइनस 5 1, f ऑफ 1 माइनस 1 माइनस पे ये डेफिनेशन यूज होगी तो कितना आ जाएगा 1 माइनस पे ये भी 1, और f ऑफ 1 प्लस पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स ये डेफिनेशन यूज होगी तो जो इधर आया था वो इधर आएगा, तो क्या है कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, क्लियर है। लास्टली x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, तो मैंने कहा f ऑफ 3 क्या होगा मेरा, इधर से आएगा, इधर या कहीं से भी ले लो बात सब बराबर है, तो 9 प्लस 15, एक मिनट, हाँ 9 प्लस 15 24 माइनस 25 इज माइनस 1, तो माइनस 1 आया, f ऑफ 3 माइनस कितना आएगा, 3 प्लस भी इसी डेफिनेशन से आएगा तो वो डायरेक्टली मैं माइनस 1 लिख रहा हूं, f ऑफ 3 माइनस कितना आएगा, इसमें 3 माइनस रखो तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 15 माइनस 1, तो ये भी माइनस 1 आया, तो हमारा क्या कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूस है, वन मतलब हर एक जगह कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये निकला अभी तक। तो फाइनली अब क्या करें, अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखो इधर मैं लिख रहा हूं एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम माइनस टू एक्स, इधर टू एक्स, इधर हो गया टू एक्स माइनस फाइव और ये हो गया टू एक्स प्लस फाइव। अब मैंने बोला था कभी भी इक्वालिटी नहीं लगाना, इक्वालिटी जब लाएंगे जब वो प्रूफ हो जाएगा कि इट इज डिफरेंशिएबल, तो अभी तो मैं इधर लिख रहा हूं एक्स लेस देन जीरो, इधर लिख रहा हूं एक्स लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो, इधर लिख रहा हूं एक्स लेस देन थ्री ग्रेटर देन वन, और इधर लिख रहा हूं एक्स ग्रेटर देन थ्री। अभी कहीं भी इक्वालिटी नहीं लगाया, याद रखना इक्वालिटी अभी कहीं भी नहीं लगाया, द रीजन इज अभी तो मुझे उस पर चेक करना है ना 0 1 3 पे, तो अब चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करें, एफ डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं,
एफ डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है चलो, तो एफ डैश एक्स का लिमिटिंग वैल्यू जीरो पे देखते हैं। तो जीरो पे मैंने बोला फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ डैश जीरो प्लस कितना होगा, चलो एफ डैश जीरो प्लस कितना होगा, लिमिट देखना है मुझे, तो नीचे वाली डेफिनेशन यूज होगी, तो ये जीरो आएगा, एफ डैश जीरो माइनस ये ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी माइनस, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बोलूंगा बराबर आ गए, इसलिए डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हुआ डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। चलो फिर मैंने बोला वन पे, तो फॉर एक्स इज इक्वल टू वन, तो अगेन एफ डैश ऑफ वन प्लस और एक एफ डैश ऑफ वन माइनस, दोनों चेक करते हैं बराबर आ गए, तो इधर भी डिफरेंशियबल हो जाएगा, वन प्लस पे ये डेफिनेशन यूज होगा, तो टू माइनस फाइव कितना हो गया माइनस थ्री, तो ये तो आया माइनस थ्री, वन माइनस पे ये डेफिनेशन यूज होगा, तो टू इंटू वन ये आया टू, तो बराबर नहीं आया, नॉन डिफरेंशियबल, क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट बचा थ्री पे, तो एफ डैश ऑफ थ्री प्लस निकालते हैं और एफ डैश ऑफ थ्री माइनस, ठीक है ना, तो थ्री प्लस पे ये डेफिनेशन यूज होगा, तो थ्री टू सिक्स प्लस फाइव इलेवन, यहां से इलेवन आया, नीचे देखते हैं थ्री टू सिक्स माइनस फाइव वन आया, तो अगेन नॉट इक्वल, क्या हुआ नॉन डिफरेंशियबल। तो ओवरऑल मेरा फंक्शन कहां कहां नॉन डिफरेंशियबल आया, वन पे एंड थ्री पे, और बाकी सभी जगह नॉन डिफरेंशियबल है, बाकी हमने चेक तो जीरो के लिए भी किया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो आल्सो, बट फिर हमने निकालने के बाद प्रूफ किया कि नहीं भाई उधर तो डिफरेंशियबल आ रहा है। तो ओवरऑल माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या लिखेंगे हम फाइनल आंसर, फंक्शन इज डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल एवरीवेयर, एवरीवेयर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा थ्री, दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलो आई होप समझ में आया होगा, और जो शुरू में दो क्वेश्चन किए थे अगर उसमें कोई भी डाउट है तो पक्का पूछना है मुझे, आज क्लियर करना है, ठीक है ना, उसका फाइनल आंसर तुम लोग बताने वाले हो, देखता हूं चलो कौन आंसर देता है मुझे ए और बी की वैल्यूज, ठीक है ना, और उसके बाद जो भी हमने आज पढ़ा इसमें भी अगर कोई डाउट आता है, वैसे आना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना, बट फिर भी आ गया, मान लो कि सर ये चीज सही समझ में आ रही है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो पूछो मुझे, ठीक है, फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।